हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो रोल राइडर दिनेश। सो अभी मेरा जयपुर में नेक्स्ट दिन है और मैं जा रहा हूँ जलमहल सुबह सुबह सनराइज़ कैप्चर करने के लिए जा रहा हूँ। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे। सो ब्लैकी पे अभी निकलूँगा, मिलते हैं आपसे जलमहल में। सो हेलो दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मेरी तरफ से सब आप लोगों को। आज का दिन बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये मेरी फ्रीडम राइड है जो कि मैं जयपुर में करने के लिए आया हूँ। सो अभी मैं सुबह सुबह 6 बजे उठ के मैंने आप लोगों के लिए सनराइज़ शूट किया है टाइम लैप्स, जो मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सो आप कभी जयपुर आ रहे हो तो आप सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हमारा जल महल को कवर कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर सनराइज़ व्यू काफ़ी अच्छा होता है। अभी मैं अपने होटल पहुंच चुका हूं। मैं आप लोगों को होटल दिखा देता हूं। रात को मैं दिखा नहीं पाया आपको कि मेरा होटल कौन सा है। सो ये है मेरा होटल। One hour later. और ये शैतान परिंदा। सो दोस्तों अभी 10:15 का टाइम हो गया है। तो अभी जो हमारे फ्रेंड्स दिल्ली से चले थे वो जयपुर पहुंच चुके हैं। अभी हम उनसे मिलते हैं। मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं जौहरी बाजार जरूर मैं विजिट करूंगा क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें अभी परचेज करनी है, अपनी सिस्टर के लिए भी कुछ लेना है। सो मिलते हैं आपसे वहीं पे। हमारे फ्रेंड्स हैं, आ चुके हैं हम सारे के सारे, हो गए हैं इकट्ठा।
और ये हमारे सुमित भाई आगे चलते हुए। सो यहाँ पे जो आपको वो वहाँ दिख रहा है, वहाँ पे रंग दे बसंती का शूट हुआ था, जो वो वापसी गिलास विलास फेंक के पीछे पानी की तरफ कूदते हैं, तो वो शॉट मैं आप लोगों को दिखा दूंगा इसमें। सांस तो यहाँ भी चढ़ दी यार, चढ़ाई तो है ही। अभी नारगढ़ से निकले हम, नारगढ़ फोर्ट से काफ़ी इन्जॉय करा यहाँ पे, बट धूप इतनी तेज इतनी तीखी थी कि बहुत बुरा हाल कर दिया उसने। धूप नहीं होती तो काफ़ी और इन्जॉयमेंट होता। देखिए आप लोग बैठे बैठे वीडियो देख रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप कार बाइक चलाते तो कैसा लगता आपको, ये तो मैं ही फील कर सकता हूँ। सिर्फ बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है दोस्तों यहाँ पे राइड करके। अभी हम एक ढाबा सर्च करा है, श्री राम ढाबा ऐसा कुछ करके था, तो वहाँ पे जाके हम अपना लंच वंच कर लेते हैं, क्योंकि यार सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ घूमे जा रहे हैं जयपुर में। आगे चल के पहले तो कुछ होटल में खाते हैं, उसके बाद प्लान करते हैं कि शाम को कहाँ घूमते हैं, क्योंकि आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि आज के दिन ही सारी की सारी विजिट हम कर रहे हैं। सो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लंच कर लिया है, अच्छा खाना था काफ़ी। सो इसके बाद एक बार डिसाइड करते हैं कि कहाँ चलते हैं। बाइक देख सकते हो आप कितना पानी में है, अभी यहाँ पे बारिश हुई है तो मेरे सारे के सारे प्रोग्रामों पे पानी गिर गया है, बट ये भी एक अपने आप में एक इन्जॉय है। सो जयपुर सिटी आप देख ही रहे हो, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाता है।
दिल्ली के कुछ इलाकों में ऐसा होता है, बट यहाँ पे एक घंटा बारिश हुई है उसी में ऐसा हाल हो गया। तो अभी तो रुक गई है बारिश, काफ़ी पानी तो उतर गया है। गोरी और बाबू बाजार कहाँ है? गोरी और भाई बाबू बाजार, हाँ सामने गेट आया तो देखना। हाँ हाँ, गेट गेट के पास में हमने पूछा वो बाबू बाजार है। अच्छा, तो जो सीधे जाके ऐसा मेन रोड आएगा न्यू मुरियाना जोरी बाजार आ जाएगा। ये कौन सा बाजार है? ये जोरा रास्ता है। जोरा रास्ता, जोरा रास्ता। यहाँ क्या क्या फेमस है? यहाँ क्या क्या मिलता है, क्या क्या फेमस है यहाँ पे? सभी फेमस है, कपड़े वगैरह। और तो दोस्तों इतनी बारिश के बाद अभी हम बाबू बाज़ार और जोहरी बाज़ार विजिट कर रहे हैं। मेरे को फैमिली के लिए कुछ, अपनी सिस्टर के लिए छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, तो वो मैं ले लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का जोहरी बाज़ार और बाबू बाज़ार। ये जो लक्ष्मी मिष्ठान भंडार है ये जोहरी और बाबू बाज़ार के बिल्कुल पास में ही है। जोहरी बाज़ार अंदर गलियों में है तो ये इस तरफ है, तो आप कभी आओ तो यहाँ पे ज़रूर आप ट्राई करके देखो, स्वीट्स काफ़ी अच्छी हैं। मैम आप मेरे को बताओगे यहाँ पे क्या चीज़ फेमस है लक्ष्मी मिष्ठान भंडार में? यहाँ का फेमस चीनी है, राजस्थानी है, फेमस आइटम है दूध का लड्डू, बहुत अच्छा है। दूध के लड्डू पे बेसन बूंदी बनती है, उसी में दूध में डाल के, मतलब दूध में उसका घोल बना के फिर रबड़ी डाल के फिर लड्डू बनाए। तो मेरे को ये दोनों चीज़ें टेस्ट करनी है, लड्डू और मीठी चीनी। हाँ जी, तो हो जाएगी? हो जाएगी मैम, आप कराओ मेरे को। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, तो मैं तो पैक करवा के लेके जा रहा हूँ अपने घर पे इसको। दिल्ली में भी ब्रांच है, आप वहाँ भी जा सकते हो। मैंने तो ले लिया है यहाँ से, आपको और दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक परांठे की शॉप है, वहाँ भी मैं चल रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये यहाँ पे पराठा शॉप है, सो काफ़ी फेमस है काफ़ी टाइम से ही, तो एक बार यहाँ का पराठा टेस्ट करते हैं। वैसे भी मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अभी मैं आशीष भाई के साथ हूँ जो पराठा वाली शॉप के ओनर हैं, तो ये आप लोगों को बताएंगे कि ये कितने टाइम से यहाँ पे है और ये इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है। मेरे फादर ने शॉप स्टार्ट की थी, उस टाइम हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 30 टाइप्स के पराठे थे। फिर हमने धीरे धीरे उनमें वैरायटी और ट्राई की और की, अब एट प्रेजेंट हमारे पास 100+ टाइप के पराठे हैं। हम ओनली प्योर देसी घी इस्तेमाल करते हैं, नो कोई मैदा इस्तेमाल नहीं करते, और ये पूरी तरह तवे पे फ्राई होते हैं, डीप फ्राइड नहीं होते हैं। क्योंकि डीप फ्राइड करने के बाद वो पराठे नहीं होते, पूरी हो जाएगी। तो ये एक पराठा बनने के बाद कितने टाइम तक मतलब कि खाने के लायक रहता है, कब तक हम इसको खा सकते हैं? कम से कम 24 घंटे मिनिमम, और बाकी वैसे कुछ एक पराठे हैं वो 4-5 दिन तक सर्वाइव करते हैं। तो ये आप होम डिलीवरी वगैरह भी कराते हो? जोमेटो और उबर इट्स के थ्रू डिलीवर होता है, करीबन 10 किलोमीटर तक के एरिया में। ओके, तो इसके अलावा आपकी कहीं और भी ब्रांच है जयपुर के अलावा? ओनली यही ब्रांच है। ओके, पैक करवा लेता हूँ, मैं अपने होटल जाके आराम से खाऊंगा, क्योंकि बारिश हो रही है, तो और ज़्यादा बारिश होगी तो मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा
डिफिकल्ट हो जाएगा। सो आज के लिए ब्लॉग इतना ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय आज हमने करा है, कुछ चीज़ें नई नई एक्सप्लोर करी हैं और कुछ जो पहले से चीज़ें बनी हुई हैं वहाँ हम घूम के आए हैं, तो आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बाय बाय।